नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं कि नाम ही जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ लोगों का मानना है कि नाम में क्या रखा है। कुछ लोग समझते हैं कि भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो भाग्य, भविष्य और कर्म पर चर्चा करेंगे आज हम चक्रव्यूह में। हमारे साथ सब ऐसी हस्तियां हैं जो भाग्य बताती हैं, कुछ भाग्य लिखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सनल इदामुर्क, और टैरो कार्ड रीडर जो टैरो पढ़ के दूसरों का भाग्य बताती हैं, पूनम सेठी जी, और अंक गणित से, नंबर से न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी जी, जो पुणे से हमारे साथ यहाँ आई हैं। मुंबई में हमारे साथ हैं ऑरा फोटोग्राफी के एक्सपर्ट फागुनी मेहता, और स्टोन रीडर रूपलखानी, और उनके साथ साथ फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या है ये गणित? देखिए, गणित 0 से 9 के बीच में पूरी जिंदगी समेट देते हैं। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी, गिनती उस दिन से शुरू होती है जिस दिन माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। शुरुआत हो जाती है 9 महीने कब खत्म होंगे। 9 नंबर्स एग्जैक्टली हमें, एक्चुअली वी कैन से कि वूम से लेकर टूम तक नंबर काम आते हैं। हम एक इंसान है, लेकिन हमारा एक नंबर है, बर्थ डेट है, राशन कार्ड नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड नंबर से आपका देश आपको पहचानता है, पासपोर्ट नंबर से आप जाने जाते हो। आप मुझे बताइए कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा में क्या कॉमन है? उनका बर्थ डेट जो है 1। सलमान खान, सुनील शेट्टी, ब्रूस ली, जैकी चैन, मोहम्मद अली और खली में क्या कॉमन है? आप कहेंगे 5। मैं कहूंगी नंबर 9। मदर मैरी, मदर टेरेसा, संत ज्ञानेश्वर और असरम बापू में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सब बड़े बड़े संत हैं। मैं कहूंगी सबका बर्थडे 8 पे जुड़ के आ रहा है। लेकिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, उसी दिन बहुत सारे लोग, हजारों हजार लोग, लाखों लोग पैदा हो रहे हैं। क्यों नहीं, हिंदुस्तान में एक दिन में एक ऑस्ट्रेलिया जितने लोग हम पैदा करते हैं, 2.25 करोड़ लोग। तो वो 2.25 करोड़ लोग तो संत नहीं बन रहे, वो 2.25 करोड़ लोग तो बिल गेट्स नहीं बन रहे, वो 2.25 करोड़ लोग तो फाइटर नहीं बन रहे। लेकिन इतनी बड़ी एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने दी है, दैट शोज यू दैट देयर नंबर्स आर सो पावरफुल। सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे 1000 लोग होते हैं जो पैदा होते हैं। आपके अंदर अगर सचिन के जैसे ताकत है, पैशन है आपके पास, ही इज नॉट वर्किंग, ही इज पैशनेट अबाउट क्रिकेट। फिल्म इंडस्ट्री इज फुल ऑफ वाई नंबर 6 पीपल। राकेश रोशन, आशुतोष गोवारीकर, संजय लीला बंसाली, तीनों के बीच में क्या कॉमन है? नॉट ओनली आर दे टॉप डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री, दे ऑल आर नंबर 6। आगे बात करेंगे हम नंबर्स पे। पूनम जी, मैंने पढ़ रहा था कि टैरो कार्ड का जब शुरुआत हुई 14वीं सदी के बीच में, तो वो खेल के तौर पर हुई थी। आज आप इस सब काम को बहुत एक गंभीर तौर पर भविष्य के लिए, भाग्य के लिए बता रहे हैं। किस तरह से ये पूरा बदलाव आया और कितना गंभीरता से हमें लेना चाहिए टैरो कार्ड को? देखिए, कोई भी साइंस हो, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, सबसे पहले फेथ की जरूरत होती है। विदाउट फेथ तो आप चैलेंज करते जाएंगे, आपको दोनों तरफ से आंसर्स मिलेंगे। दूसरी बात, टैरो 3000 साल पुरानी विद्या है जो इजिप्ट, मिस्र से आई थी। इजिप्ट से आई। उस वक्त जो राज ज्योतिष होते थे, वो पिरामिड्स, बिल्डिंग्स पे चित्र बना के भविष्य बताते थे, बट वो बहुत इम्प्रैक्टिकल सा हो गया, क्योंकि कितनी बिल्डिंगें आप भर सकते हो। तो वो छोटे फॉर्म्स में आने लगे, और सबसे छोटा फॉर्म था टैरो कार्ड्स का। पहले मैं भी विश्वास नहीं करती थी खास इन चीजों पे, लेकिन मैंने खुद नहीं विश्वास करती, एक टाइम था जब मैं खुद नहीं करती थी, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, दे से ना, किसी भी फेथ के लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है।